सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो यार आप सभी लोग? होप करता हूँ यार सब बहुत ही बढ़िया हो। गाइस, रिसेंटली हमारा 2 दिन पहले प्लान बना जाने का आउट ऑफ दिल्ली। तो गाइस, हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश। तो गाइस, हम वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में हम धर्मशाला और मैक्लोडगंज जा रहे हैं। तो गाइस, हमारा 3 से 4 दिन का ये प्लान बना है। तो आज हमारी फ्लाइट है 6 बजे की। सो अभी हम बस 1 घंटे में घर से निकलेंगे, टैक्सी आएगी, तो हम जाएंगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल बन। गाइस यार, काफी अच्छा ब्लॉग होने वाला है, ज्यादा एक्साइटमेंट है यार। वहाँ पर कैसे विजिट करेंगे, क्या क्या देखने को मिलेगा, और बहुत ही आपको भी क्या क्या दिखाएंगे, आप हमारे साथ घूमोगे। तो इस ब्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, और कम से कम 3 या 4 पार्ट्स में मेरे ब्लॉग आने वाले हैं। तो गाइस, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार अभी, और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी कि मेरे वीडियोस कब आ रहे हैं। तो गाइस, बस अब 1 घंटे में निकलते हैं, तो अब सीधा मैं आपको एयरपोर्ट मिलूंगा। तो चलो एयरपोर्ट पे मिलते हैं। तो गाइस, फाइनली रीच टू द एयरपोर्ट, और एंट्री हमने ले ली है, और वेब चेक इन भी हमने कर लिया है। और अभी 3 बज रहे हैं, और अभी हमारे पास कम से कम 3 घंटे हैं जो हमें वेट करना है। तो अभी हम जस्ट यहाँ पर एयरपोर्ट पर घूम रहे हैं, और यार अभी तो बहुत टाइम है फिलहाल। पहुंच चुके हैं यार धर्मशाला एयरपोर्ट पर, जल्दी पहुंचा दिया, 1 घंटे में पहुंचा दिया हमें। तो अभी बस चलते हैं, यहाँ से चेकआउट करते हैं और फिर चलते हैं अपने होटल की तरफ। चलो यार फटाफट चलते हैं, और पीछे देखो हम प्लेन स्पाइस जेट से आए हैं। सो गाइज, फाइनली 1 घंटे के बाद एयरपोर्ट से हम यहाँ पर अपने होटल अनुपम DSNL में पहुंच चुके हैं, जो कि धर्मशाला में ही है।
और गाइज अभी रास्ते में आते आते तो यार बहुत ट्विस्ट एंड टर्न से यार बहुत घुमावदार एकदम सड़के थी, पूरा सर चकरा रहा था। तो हमें इसकी आदत नहीं है एक्चुअली, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा फील, अजीब सा फील हो रहा था। तो यार काफी फन भी लग रहा है, बहुत मजा भी आ रहा है यहाँ पर आके, नई नई चीजें देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा तो यहाँ पर आप ग्रीनरी देख सकते हैं, हमारे रूम के जस्ट बाहर आप देखिए कितनी बढ़िया ग्रीनरी, और व्यू भी काफी अच्छा है हमारे होटल के बाहर हमारे बालकनी से। सो गाइज अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, 1-2 घंटे रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे देखो बाहर कहीं। तो गाइज अभी मैं आपको अब सबसे पहले अपने रूम का टूर दे देता हूँ। तो चलो यार अभी रूम का टूर देता हूँ, काफी अच्छा रूम है, स्वीट सा है, छोटा सा है, कोई नहीं, लेकिन अपने रूम का टूर दे देता हूँ आपको। चलो यार चलते हैं। सो गाइज चलो आपको अपना रूम टूर दे देता हूँ, तो आ जाइए। तो सबसे पहले यार आपको ये स्वीट सा बेड देखने को मिलेगा, और यहाँ पर एक कबर्ड है, तो काफी अच्छा रूम है, छोटा सा टेबल दे रखी है। एंड उसके बाद ये रहा वॉशरूम, अगर इसके अंदर हम जाएं तो काफी अच्छा वॉशरूम है। चलो भाई काफी अच्छा वॉश बेसिन, ये रहा अपना शावर वगैरह लगा हुआ है, इधर गीजर है, और ये टॉयलेट है वगैरह सब बहुत ही बढ़िया। और साथ ही साथ यहाँ पर एक छोटा सा सोफा दे रखा है, और टीवी भी लगा हुआ है आपके सामने, और ये टी टेबल बोल सकते हैं इसको, यहाँ पर बैठकर आप इंजॉय कर सकते हैं ये व्यू जो बहुत ही सुंदर दिख रहा है हमारे यहाँ से। तो गाइस काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, और मजा ही आ गया यार। अभी हमारा 3 दिन का स्टे है यहाँ पर, यानी कि आज 12 है, तो 13, 14 एंड 15। तो उसके बाद यार फिर आपको 2, 3, 4 पार्ट्स में मेरा ये ब्लॉग आएगा, और काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स होने वाले हैं, बिल्कुल भी मिस मत करना। तो गाइज अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। तो गाइज अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, और अगले पार्ट के लिए बिल्कुल स्टे ट्यून्ड रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।